Dear students, Assalamu Alaikum. In this lesson, we are going to see how to correct an invoice once it has been created. It so happens that sometimes we have to give a refund for something that we have already sold and sent an invoice for. Another document which is made to recover from this error is called a credit memo. Credit memo is basically to counter the invoice which has been made, and it can be for the whole invoice or can be for a part or partial invoice. For example, if you have taken, for example, 10 numbers of an item and you are returning 2 for a valid reason, whenever this return is made, you are going to have to document it. For your accounting purpose as well as for your inventory purpose. And that document is called a credit advice. Whenever you create a credit memo, it gives a refund to your client and customer. And there can be many ways in which a customer can be accommodated by giving him a refund. और एक कोई भी आइटम सेल किया हो जिससे हमारा कस्टमर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड ना हो या उसमें कोई ख़राबी निकल आई हो आप तो जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ ख़राब या उसके मैार भी पूरी नहीं हो सकती तो कस्टमर हमें वो चीज़ ला वापस करता है और वो उसका रिफंड क्लेम कर सकता है अगर विद इन गिवन डेज़ वो ये चीज़ वापस ले आता है जब हम रिफ़ंड करते हैं तो हमें उसको भी रिकॉर्ड करना होता है हमें इन्वेंट्री के हिसाब से भी रिकॉर्ड करना होता है हमें प्राइस के हिसाब से भी रिकॉर्ड करना होता है कि हम उसको किस टाइप का रिफ़ंड दे रहे हैं हो सकता है कि वो हमारी तमाम चीज़ें वापस कर रहा अगर वो हमारी तमाम चीज़ें वापस कर रहा है तो हमें पूरी इनवाइस को रिफ़ंड करना है अगर वो हमें पार्शल कुछ थोड़ी सी चीज़ें वापस कर रहा है तो हमें उस पार्शल अमाउंट को अपने सिस्टम में केटर करना है और उसको रिकॉर्ड करना है इन दोनों केसेस में हमने जो डॉक्यूमेंट बनाना है वो कहलाता है क्रेडिट मेमो क्रेडिट मेमो के तीन टाइप के असर हो सकते हैं हो सकता है कि वो हमें रिटर्न करें और कि पैसे मुझे ना दो पैसे अपने पास ही रखो जब मैं अगला कुछ ऑर्डर करूंगा तो उसमें एडजस्ट कर लेना दूसरा तरीका ये हो सकता है वो कहता है पैसे वापस करो कैश में या चेक की सूरत में आप उसे पैसे लौटा सकते हैं और तीसरा तरीकेकार ये है क्यों कहता है कि एडजस्टमेंट करो लेकिन मेरी इन में डायरेक्टली कर दो इन करेक्शन अब ये तीनों तरीक़े करेक्शन के हैं और इन तीनों के लिए हमें बनानी जो डॉक्यूमेंट है वो है क्रेडिट मेमो अब कैसे बनाना है क्रेडिट मेमो इन तीनों जो हमें रीज़न हमारे सामने है उन्हें देखते हुए आइए क्विक बुक्स में चल के देखते हैं पहले हम एक इन बनाते हैं और उसके ऊपर हम देखते हैं कि हम क्रेडिट मेमो किस टाइप के दे सकते हैं सबसे पहले हमने चूज़ करना है अपना कस्टमर और वो हमने एक चूज़ कर लिया है और उसको हम एक इन के थ्रू बिल करने लगे अब हमने ये दो आइटम बना लिए हैं और आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इस कस्टमर के साथ अफिलिएटेड उसका टैक्स उसके ऊपर आ गया है और टोटल पेएबल भी बन के आ गया है इसको हम सेव करते हैं अब हमारे पास एक इन्वाइस पहले से मौजूद है अब हम उसी इन्वाइस को दोबारा से खोलते हैं ये इन्वाइस थी जो हमने बनाई है और अपने कस्टमर्स को गुड्स सेल किए हैं अब किसी वजह से उसने हमारे डोर हैंडल्स जो हैं वो वापस कर दिए हैं हो सकता है कि हमने उसे एक तादाद भेजनी हो, हमने ज़्यादा तादाद भेज दी है या उसने पहले से कैलकुलेट नहीं किया होगा बहरहाल जो भी वजह है वो हमें अपने डोर हैंडल्स वापस करना चाह रहा है अब जब वो वापस करेगा तो हमने उसे रिफंड देना है उसके पैसे वापस करने या वो पैसे हमने कहीं ना कहीं एडजस्ट करने कैसे करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमने जब भी ये चीज़ बनाएंगे तो हम इसको रिफंड करने के लिए क्रेडिट मेमो क्रिएट करेंगे सबसे पहले ये कि ये जो डॉक्यूमेंट है हमने सेव कर दी है अब हम रिफंड या क्रेडिट के ऊपर जाएंगे इस बटन के थ्रू हम एक क्रेडिट मेमो क्रिएट करेंगे याद रहे इस डॉक्यूमेंट का नंबर है ग्यारह जैसे ही हम क्रेडिट मेमो बनाएंगे एक चीज आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रही होगी वो ये है कि ये स्क्रीन तकरीबन वही है जो कि इनवॉइस की है रीजन बीइंग कि वही आइटम तो हम उनमें से कोई ना कोई रिफंड कर रहे हैं इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन जो इनवॉइस पे थी वही दोबारा से क्रेडिट मेमो पे रिफ्लेक्ट होगी जरूरी नहीं कि आप तमाम का रिफंड कर दें आप पार्शल रिफंड भी कर सकते हैं इन दिस केस वी आर गोइंग टू मेक अ पार्शल रिफंड ऑफ आर डोर हैंडल्स अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारे पास कौन कौन से दो आइटम मौजूद हैं हमने उसको दस डोर हैंडल इजाफी भेज दिए हैं और वो हमने एडजस्ट करने हैं उसका तरीक़ेकार ये है कि हमें एक तो वुडन डोर वापस नहीं करना जो चीज़ हमने लाइन आइटम वापस नहीं करना हमें यहाँ से उसे लाइन को ख़त्म कर देना है डिलीट कर देना है उसके दो तीन तरीके हैं या तो आप एडिट में जाके इसे डिलीट कर दें डिलीट लाइन से दूसरा ये है कि आप राइट क्लिक करें और इसको डिलीट लाइन कर दें अब हमारे पास एक आइटम आउट हो गया है बाकी आइटम तमाम अपने काउंट के साथ वो हमें दिखा रहा है यानी कि 40 आइटम हमने उसे भेजे थे लेकिन हमने 40 के 40 का ये रिफंड नहीं करना बल्कि जो 10 इजाफी भेज दिए थे उसका हमने उसे क्रेडिट देना है या उसका हमने उसे रिफंड करना है इन दिस केस वॉट वी हैव टू रिफंड बेसिकली टेन डोर हैंडल्स उसके पैसे हमने उसे वापस करने तो जैसे ही हम दस लिखेंगे अब आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर जीएसटी लग के उसकी एक वैल्यू आ गई है इन वॉयस की अलग वैल्यू थी इस क्रेडिट मेमो की अपनी वैल्यू है ये वैल्यू एडजस्ट होगी उस इन के साथ अब तरीकेकार यह है कि इसको हम जाके जब सेव करेंगे तो सिस्टम हमसे एक सवाल करेगा आइए देखते हैं जैसे हमने इसे सेव करने की कोशिश की ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो आप क्रेडिट देना चाह रहे हैं वो आप किस टाइप का क्रेडिट देना चाह रहे हैं और सबसे पहला ऑप्शन है रिटेन एज एन अवेलेबल क्रेडिट इसका मतलब यह है कि क्रेडिट तो हमने उसे दे दिया लेकिन हम उसे फिजिकली कोई पैसे वापस नहीं करेंगे बल्कि हम अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे कि इसने इतने का माल हमें वापस कर दिया है और हमें इसकी पेमेंट नहीं आएगी या अगर आएगी भी तो हम अगली ट्रांजैक्शन में इसको एडजस्ट कर देंगे सो so बेसिकली ये हमारा एक लिहाज से पेएबल बन जाएगा और जब भी उसके साथ हम कोई अगला बिजनेस करेंगे कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम उसमें इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हम करना चाह रहे हैं कि हमने इसके ऊपर रिटेन एज एन अवेलेबल क्रेडिट को ओके करते हैं और जैसी आपने रिटेन एज एन क्रेडिट हमने इसको ओके किया है आप ये राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो ये क्रेडिट मेमो एक क्रिएट हो गया जिसमें इसकी वैल्यू आ रही है पंद्रह हज़ार सात सौ बीस ये वही वैल्यू है जो कि हमने इस क्रेडिट मेमो पे डाली थी इसका मतलब ये है कि हमने दस की जो क्वांटिटी थी उसको हमने एक लिहाज से क्रेडिट कर दिया है अब ये हमारे रिकॉर्ड में रहेगा और जब भी हम आइंदा इसको एडजस्ट करना चाहेंगे अगली ट्रांजेक्शन में तो हमें अवेलेबल होगा कि हम उसे एडजस्ट कर सकें इन दिस पार्ट ऑफ अ सीरीज वॉट वी हैव इज वी हैव गिवन रिफंड टू आर कस्टमर एंड वी हैव एडजस्ट द अमाउंट रिफंड इन आर अकाउंट्स इसका मतलब ये है कि उसके पैसे हमारे पास वाजिब अदा अकाउंट सिस्टम में मौजूद हैं हमने उसे फिजिकली कोई अमाउंट नहीं दी ना कैश दिया है ना चेक दिया है बल्कि हमने उसका रिकॉर्ड अपने पास महफूज कर लिया है और जब कभी भी अगला ट्रांजेक्शन होगी हम उसके पैसे उसको वापस कर देंगे यानी कि हो सकता है कि अगली ट्रांजेक्शन में अगर पूरे ना होते हैं उसके पैसे तो अगली आने वाली ट्रांजेक्शन में हम एडजस्ट करते चले जाएंगे जब तक कि उसके पूरे रिफंड ना हो जाए और ये तरीका हर जगह मामूर होता है अगर आपने कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इस्तेमाल की हो जिसमें आपकी वैलेट रखा जाता है हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दे दें उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए तो आपके वैलेट में वो पैसे वैलड रहते हैं जब तक कि आप कोई नया ट्रांजेक्शन ना कर लें और अगली ट्रांजेक्शन में वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं तो इस केस में भी जो हमने पहला इसका तरीक़ार देखा है उसमें हमने इस अमाउंट को एडजस्ट करेंगे हम आने वाले ट्रांजेक्शन के साथ दूसरे ऑप्शंस को हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखते हैं